दोस्तों दूसरे वार्म अप मैच में भी पाकिस्तान टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा। दोस्तों इससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ वार्म अप मैच में पाकिस्तान को शिकस्त हुई, जबकि दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त का सामना करना पड़ा। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रा 50 ओवर में 351 रन बनाए, जवाब में पाकिस्तान टीम 337 रन बनाकर ढेर हो गई। दोस्तों बाबर आजम और इफ्तिखार अहमद ने खूब मजामत की। इफ्तिखार अहमद ने 83 बॉल्स पर 85 रन की शानदार इनिंग्स खेली। कप्तान बाबर आजम ने धुआंधार बैटिंग का मुजाहरा करते हुए 53 गेंदों पर 90 रन बनाए। दोस्तों उनकी इस इनिंग्स में 11 खूबसूरत चौके थे, जबकि 2 बुलंदबाज छक्के शामिल थे। दोस्तों इनके अलावा मोहम्मद नवाज ने 50 स्कोर की, तहम अपनी टीम को जीत न दिला सके। यूं टीम पाकिस्तान को 14 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। दोस्तों क्या वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम अच्छी कारकर्दगी दिखा सकेगी या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।